तो जिस बलविंदर सिंह जटाणा के सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में चर्चा की है, अपने गाने के पोस्टर पर उनका एक फोटो भी, तस्वीर भी वहां पर साझा किया है जिसमें वो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बलविंदर सिंह जटाणा दरअसल वो व्यक्ति थे जो बब्बर खालसा, जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उसकी गैंग के लिए वो काम। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो पंजाबी सिंगर शुभदेव सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला को इस दुनिया से रुखसत हुए आज 27 दिन बीत चुका है। कल सिद्धू मूसेवाला के पिता ने उनका एक गाना रिलीज किया जो कि सिद्धू मूसेवाला रिलीज नहीं कर पाए थे और उन्होंने सब कुछ तैयार करके रखा था, लेकिन इसमें दुखद बात यह रही कि सिद्धू मूसेवाला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि उनके मौत के 26 दिनों के बाद उनके पिता बलकौर सिंह ने उस गाने को रिलीज किया और वो गाना SYL का जो विवाद है, सतलुज यमुना नहर का जो विवाद है, उसको लेकर था। सोशल मीडिया पर इस गाने को रिलीज करने के बाद अब कई तरह के विवादों को जन्म मिल गया है या फिर हवा मिल गया है। सिद्धू मूसेवाला के बारे में कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला जाते जाते भी एक ऐसा विवाद पैदा करके गए हैं जो अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में उठता दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर एक चीज़ देखा जाए तो पंजाब के लोग इस गाने से या फिर इस गाने के लाइन से बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं। और ख़ास तौर से वो लोग निराश हो रहे हैं जो सिद्धू मूसेवाला को चाहते थे, सिद्धू मूसेवाला के समर्थक थे। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलवाने के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ भी उठा रहे थे। लेकिन अब इस गाने के सामने आने के बाद सिद्धू मूसेवाला को लेकर उनकी नाराजगी भी दिखाई दे रही है और सोशल मीडिया पर वो भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला की इस गाने के लाइन में एक जगह बलविंदर सिंह जटाणा का जिक्र किया गया है और सिद्धू मूसेवाला ने ये कहा है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो बलविंदर सिंह जटाणा फिर से आएंगे, यानी कि उनके जैसे लोग फिर से आएंगे। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन मार्क एक उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि बलविंदर सिंह जटाणा कौन थे और सिद्धू मूसेवाला अब ये कह रहे हैं कि अगर इस विवाद को सुलझाया नहीं गया, सिखों की रिहाई नहीं की गई, जो सिख कैदी बंद हैं उनकी रिहाई नहीं की गई, तो बलविंदर सिंह जटाणा फिर वापस आएंगे, उनके जैसे लोग। तो जिस बलविंदर सिंह जटाणा के सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में चर्चा की है, अपने गाने के पोस्टर पर उनका एक फोटो भी, तस्वीर भी वहां पर साझा किया है जिसमें वो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बलविंदर सिंह जटाणा दरअसल वो व्यक्ति थे जो बब्बर खालसा, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उसकी गैंग के लिए वो काम। और पंजाब में जब सतलुज यमुना नहर का काम चल रहा था, जब ये विवाद सुलझने की तरफ था और ये प्रक्रिया चल रही थी कि अब बहुत जल्दी ही SYL विवाद खत्म हो जाएगा, तो बलविंदर सिंह जटाणा अपने 3 साथियों के साथ वहां पर पहुंचते हैं और इस मामले में 2 अधिकारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं और ये मामला बहुत ज़्यादा उस समय तूल पकड़ता है। पुलिस प्रशासन जब बलविंदर सिंह जटाणा के घर जाती है, ये 1991 की बात है, और उनको खोजती है तो बलविंदर सिंह जटाणा अपने घर पर नहीं मिलते हैं, फरार रहते हैं। और कहा जाता है कि उस दौरान बलविंदर सिंह जटाणा के घर पे जितने भी लोग मिलते हैं और उन सभी को एक निहंग की मदद से घर में आग लगा दी जाती है और पूरे परिवार को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके 2-3 दिन बाद बलविंदर सिंह जटाणा अपने साथियों के साथ निकल रहा था कहीं और रास्ते में उसकी मुलाकात पुलिस से होती है। पुलिस को देखकर वो खेतों की तरफ भागता है और खेतों में पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। बलविंदर सिंह जटाणा के बारे में ये सब बातें उसके एक साथी, महिला साथी ने कहा था, खुलासा किया था और कहा था कि उस दौरान बलविंदर सिंह जटाणा ने ही उन 2 अधिकारियों की हत्या की थी। उस समय बलविंदर सिंह जटाणा के बारे में कहा गया था कि बलविंदर सिंह जटाणा ने उन 2 अधिकारियों को सिर्फ इसीलिए गोली मारी थी कि वो चाहते थे कि पंजाब कभी भी हरियाणा को पानी ना दे और ये मामला ना सुलझे। और ये भी बातें निकलकर सामने आई थी कि बलविंदर सिंह जटाणा वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल थे बब्बर खालसा के गैंग की तरफ से और बब्बर खालसा के वो काफ़ी करीबी भी कहे जाते थे, इसीलिए इस
गाने में बलबिंदर सिंह जचाणा का जो नाम सामने आया है वो एक विवाद पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ देखा गया है इस गाने में, जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसान आंदोलन के समय में हमें देखने को मिला था कि लाल किले पर किस तरह से निशान साहिब का झंडा फहराया गया था। इस दृश्य को भी सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में प्रदर्शित किया है और कई सारे किसान जो शहीद हो गए उनकी भी झांकियां इसमें सिद्धू मूसेवाला ने दिखाई है। हालांकि सबका अपना अपना मत है, हालांकि बलबिंदर सिंह जटाणा का जिक्र अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और लोग ये अब पूछ रहे हैं कि बलबिंदर सिंह जटाणा फिर आएगा, मतलब इसका मतलब क्या था, सिद्धू मूसेवाला ने आखिर इसका क्या उदाहरण देने की अपने गाने में कोशिश की थी। बहरहाल आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक खालिस्तानी आतंकी के संपर्क में रहने वाले का अगर जिक्र सिद्धू मूसेवाला ने किया है तो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है। लोग सवाल तो पूछेंगे ही, सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि हम तो यही कहेंगे कि सिद्धू मूसेवाला को जिन लोगों ने मारा है, जिन्होंने भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है, वो आरोपी बहुत जल्दी पकड़े जाएं और सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिले। लेकिन एक सवाल और यहां पर लोगों के मन में दिखाई दे रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने यह भी कहा है कि अगले 5 से 7 सालों तक वो अपने बेटों के गानों को रिलीज करते रहेंगे और सिद्धू मूसेवाला को अपने गानों के जरिए ही, उनके गानों के साथ साथ लोगों के दिलों में जिंदा रखेंगे। बहरहाल देखना है होगा कि अभी कितने गाने सिद्धू मूसेवाला के पिता उनके द्वारा लिखे गए गानों को रिलीज करने वाले हैं। बहरहाल आप इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।